दिल्ली NCR में मूसलाधार बारिश, ITO समेत कई जगहों पर जलजमाव से लगा ट्रैफिक जाम, स्कूल भी किए गए बंद। मणिपुर हिंसा, सुरक्षा बलों के इस्तेमाल की जाने वाली दो बसों में भीड़ ने लगाई आग, कोई जनहानि नहीं। बंगाल, छात्रा से दुष्कर्म और हत्या में दो को फांसी की सजा, एक को उम्र कैद, परिजनों बोले बेटी को मिलेगा न्याय। ED, तीन राज्यों में 16 ठिकानों पर ED के छापे, दिल्ली जल बोर्ड की निविदा प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप। नोएडा बाढ़, एक साथ डूब गई सैकड़ों गाड़ियां, नोएडा इकोटेक में हिंडन का पानी आने के बाद खौफनाक नजारा। मणिपुर, कुकी संगठन ने PM को लिखा पत्र, राष्ट्रपति शासन की मांग, मैतेई समुदाय ने बातचीत न करने का किया आग्रह। वंदे भारत एक्सप्रेस, गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस मवेशी से टकराई, महाराष्ट्र में दहानू के पास हुई घटना। कर्नाटक, विधायक BR पाटिल का आरोप, मेरे नाम पर फर्जी लेटरहेड वायरल कर रही भाजपा, दर्ज कराई शिकायत। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हैवानियत, आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर पीटा, 4 आरोपी गिरफ्तार। केरल, KPCC प्रमुख ने माकपा के सचिव गोविंदन के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का मामला। राज्यसभा, फागनोन कोन्याक ने रचा इतिहास, राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नेगोलैंड से पहली महिला सांसद बनी। कारगिल विजय दिवस, युद्ध की 24वीं वर्षगांठ पर PM मोदी और रक्षा मंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बॉम्बे हाई कोर्ट, 5 साल पुराने जोगिंदर राणा फर्जी एनकाउंटर मामले में नया मोड़, हाई कोर्ट ने दिया SIT गठन का आदेश। ओडिशा, राष्ट्रपति मुर्मू ने राजभवन में मेडिकल छात्रों से की बात, जरूरतमंदों की मदद के लिए किया प्रेरित। पार्लियामेंट, केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, अधीर रंजन चौधरी का ऐलान, आज कांग्रेस की अहम बैठक।